हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कलम श्रवण करे थे श्री बृहद भागवत अमृत के। तीसरे अध्याय तीसरे भाग के सातवें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान कृष्ण गोप कुमार से मिले, मथुरा के ब्राह्मण से मिले। गोप कुमार उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं और उसके पश्चात भगवान जब उनसे मिलते हैं, भगवान उनको जन शर्मा के नाम से पुकारते हैं। भगवान गोप कुमार को मिलते दोनों मूर्छित हो जाते हैं, गोप कुमार और मथुरा का ब्राह्मण। फिर भगवान मथुरा के ब्राह्मण को गले लगाते हैं, उसे अपना ऑर्नामेंट्स अपना आभूषण देते हैं गिफ्ट में। इस प्रकार से भगवान गोप कुमार और जन शर्मा को सुप्रीम मर्सी देते हैं। अपनी पूरी कृपा देते हैं।
इस प्रकार से गोप कुमार और जनक शर्मा भगवान की ग्वाल बाल वाली जो पार्षद समूह है उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, कल हम श्रवण कर रहे हैं, आगे आज हम श्रवण करते हैं। कृष्ण की रानियां द्रौपदी को कहती हैं, नामयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोजयम अपि उत वैराज्यम परमेश्वरम वा अन्न आनंदयम हरे पदा कामाय माया तेषी श्रीमत्पादरज श्रिय कुछ कुम कुछ गंधारयम मूर्धन बोधम गदाव्रत। कृष्ण की नानियां द्रौपदी कहती है, और साध्वी हम लोग इस पृथ्वी पे अपनी प्रसिद्धि या राज्य नहीं चाहते हैं। न हम स्वर्ग का राज्य चाहते हैं, न हम एंजॉयमेंट के असीमित साधन चाहते हैं, न हम योग सिद्धि की इच्छा रखते हैं, न ब्रह्मा जी की स्थिति रखते हैं, न अमर बनना चाहते हैं, न हम राज्य चाहते हैं, भगवान का राज्य चाहते हैं। हम तो केवल हमारी तो इच्छा है कि हम अपने सिर पे केवल कृष्ण के चरण कमलों की महिमापूर्ण धूल को लेके जाना चाहते हैं। वो धूल जो उनकी संगिनियों के वक्षस्थल से, यहाँ पे बोला गया साम्राज्यम और स्वराज्यम, मतलब एक पृथ्वी के ऊपर राज्य और दूसरा स्वर्ग के ऊपर राज्य। भोज्यम का मतलब है इन पृथ्वी के राज्य से और स्वर्ग के राज्य से जो आनंद मिलता है, आगे बोलते हैं ना वो रानिया बोल रही कृष्ण की, ना हमें ब्रह्मा की पोजीशन चाहिए, ना हमें मुक्ति चाहिए, ना हमें वैकुंठ में स्थान चाहिए, ना हमें हरि का धाम चाहिए, हमको केवल कृष्ण के चरण कमलों की डस्ट अपने ऊपर चाहिए। क्यों? बिकॉज इसमें जो है लक्ष्मी जी के गॉडेस लक्ष्मी के गॉडेस लक्ष्मी के कुमकुम चाहिए, ये दूसरा मतलब है कि महालक्ष्मी जो है कृष्ण की सेवा करना चाहती है, हालांकि वो महालक्ष्मी की सेवा ब्रह्मा जी और दूसरे देवता करते हैं। महालक्ष्मी जो है कृष्ण की एक पत्नी है, और उनका जो
भगवान कृष्ण के जो चरण कमलों की धूल है वो उनके कुमकुम से मिक्स, इसलिए द्वारका की जो रानियां हैं द्वारका की जो रानियां हैं वो रज को प्राप्त करना चाहते हैं। वो रानियां जो हैं केवल देवकी के जो डार्लिंग पुत्र हैं, प्रिय पुत्र हैं, उन्हीं के चरणों से शिकार करना चाहती है, भगवान के किसी अवतार से नहीं, क्योंकि केवल जो देवकी नंदन है वही मधुरता का असीमित सागर। जो लक्ष्मी जी हैं जो भगवान के इस और मूल रूप से संग प्राप्त करती, वो रुक्मणी है उनकी पहली रानी। जो रानियां हैं ये अगले श्लोक में बोलती हैं कि ब्रज की जो स्त्रियां हैं उनको भी सेम दृष्ट चाहिए, वो भी सेम रूप चाहती है। ब्रजो स्त्रियो यदवांचान्ति पुलिन्द्यास्त्रण विरुध गवश्चर्यो गोपय पदस्पर्शम महात्मनः। हम भगवान के चरण कमलों से हम भी भगवान के चरण कमलों से वही हम भी भगवान के चरण कमलों से वही धूल चाहते हैं जो ब्रज की स्त्रियां चाहती हैं, और जो ग्वाल ब्रज के ग्वाल बाल चाहते हैं, और जो एबोरिजिन पुलिंद वन वन की स्त्रियां वह चाहती है। वो उस धूल का स्पर्श चाहते हैं जो वहां के पत्तों में घास में रहता है जब वो गाय चराते हैं। गोपियां ब्रज की गोपियां भी उसी दस्त को चाहती है। ये प्रूव करता है कि उनके जो चरण है वो माधुरिता के अल्टीमेट रिपोजिटरी। अब वो रज को प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उनके लिए इजी है जो ब्रजवासी हैं। तो रानियां जो हैं कृष्ण की कृपा चाहती हैं, उनके साथ जो महालक्ष्मी है उसके साथ उनकी कृपा चाहती है, अकेले नहीं। कई बार कृष्ण अपने आप में संतुष्ट रह सकते हैं, पर जो द्वारका की रानियों जैसे शुद्ध वैष्णव भगवान के उस रूप में इंटरेस्टेड है, वो उनको सेवा करना चाहते हैं। द्वारका के रहने उनके प्लेजर पोटेंशियल को आनंद देने वाली शक्ति के साथ,
वे इनको जानना चाहते हैं भगवान जो है टॉप मोस्ट इंजॉयर है इंटीमेट लविंग एक्सचेंज के अंतरंग प्रेम लीला के टॉप मोस्ट एंजॉयर है। गोप कुमार का भी वैसा ही एटीट्यूड, वो हमेशा मदन गोपाल को अपने मूल रूप में देखना चाहते थे। गोप कुमार जो है, गोप कुमार का अवसर मिला भगवान को अलग अलग रूप में देखने का, पर वो तभी संतुष्ट हुए जब जब कृष्ण को ब्रज भूमि में मिला। इस अल्टीमेट परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए डिवोटी जो है उनको पहले डिवाइन विजन मिलना चाहिए, दिव्य दृष्टि मिलना चाहिए श्री कृष्ण की। कृष्ण के दर्शन जो है, कृष्ण के दर्शन जो है डिवोशनल सर्विस के, भक्ति के, कृष्ण के दर्शन जो है भक्ति के इंपल्स से और कृष्ण के भाग्यशाली भक्तों में कृष्ण के दर्शनीय भक्ति की लहर उत्पन्न करते हैं। और यही कारण है उनको पूरी तरीके से प्राप्त करने का। अथापो अपियाद वेणु, अथापो अपियाद वेणु संकेत धावनी पशुन, अथापो अपयाद वेणु संकेत ध्वनिना पशुन समाहुयु विचित्रेण, समाहुयु विचित्रेण मुख्य शब्देन केनचित्, अथापो अपयाद्वेनु संकेत ध्वनिना पशुन समूह विचित्रेण मुख्य शब्देन केनचित्। तब कृष्ण जो है उसके सामने जो है, जब गोप कुमार और ये सब करे थे तब कृष्ण ने अपनी ध्वनि से संकेत, अपनी बांसुरी से संकेत दिया, विशेष आवाज निकाली और गायों को बुलाया और पानी पिलाया यमुना। उस ब्राह्मण को तुरंत कृपा देने के बाद में कृष्ण ने अपना ध्यान गायों को पानी पिलाने में लगाया, बफेलों को, दूसरे एनिमल्स। तेने वा सुख देशेषु तान अनिरुद्धो अपवेश्य, तान अनिरुद्धो अपवेश्य च ताभ्याम अन्येश्च सखिभिर् विजहरापशु साग्रजः। और उसी ध्वनि से पशु लोग जो है स्टॉप हो गए और एक जगह पे रुक गए कंफर्टेबल। उसी ध्वनि से पशु रुक गए और एक कंफर्टेबल स्थान पर रुक गए, बैठ गए। तब गोप कुमार और जो जनक शर्मा ब्राह्मण था और उनके बड़े भाई और उनके दूसरे मित्रों ने जल में खेला, जल क्रीड़ा की।
परस्परं विषिञ्चत सखिन् कदाचिदुत्तिप्स जलानि भज्जेत् कदापि तेरे विनोद कोविदो विलंबितो भंग भरम जहर्ष। तब और अब कृष्ण अपने मित्रों के पास आए जो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे और उनको लहरों से भिगा रहे थे। और कई बार जो बच्चे लोग हैं उनके पास आते हैं, उन कृष्ण के पास आते हैं जो सारे जल क्रीड़ाओं में सारे प्रकार के स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है, और उनके ऊपर बहुत सारी तरंगे तरंगों के बीच में ले जाते हैं। इन सब चीजों से भगवान प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य जब भगवान के जो भक्त हैं पीछे से आते और उनके ऊपर जल फेंकते थे तो भगवान जो है कोई अपराध नहीं मानते, हालांकि वो इसको बहुत अप्रिशिएट करते थे इस प्रकार से। विनोद कोविद के रूप में, विनोद कोविद के रूप में जो मोस्ट एक्सपर्ट नोवर ऑफ स्पोर्ट जो खेलों को बहुत अच्छे से जानता, वो इस चीज को, इस अटैक्स को कोई उनकी पूजा कर रहा है उससे ज्यादा ऊपर लेते थे। किलाल वाद्यानि शुभानि साकम् तेरवाद्यंशेर यमुना प्रवाहे श्रोतोनुलोमो प्रतिलोमतोषो संतार लीलाम अकरोद विचित्रम्। यमुना के जल को, यमुना के फ्लोइंग वाटर को वो एक यंत्र के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में लेके वो और उनके सारे मित्र सारे प्रकार के ऑस्पिशियस म्यूजिक खेलते थे। और वो खेलते थे यमुना को कई तरीके से क्रॉस करके धारा की दिशा में और धारा के अगेंस्ट। कदापि कृष्ण जलमध्य तो निजम वपु सनिहुत सरोज कानने मुखम च विनस्य कुतूहली स्थितो यथा न केनापि भवेत् स लक्ष्य। कई कई बार कृष्ण जो है खेलते खेलते यमुना के जल के अंदर अपने शरीर को छुपा लेते थे और उनके मुखमंडल को कमल के झुंड में, जिसे कोई उनको प्राप्त नहीं कर सके। तात्पर्य ये रिवर यमुना को भी कई बार बोलते हैं कृष्णा, क्योंकि उनके जल का कलर जो है, यमुना के जल का कलर कृष्ण के रूप से मिलता जुलता। और जब कृष्ण अपने आप को छुपा लेते हैं लोटस फ्लावर में, कमल के जल में, क्योंकि कृष्ण का मुख भी कमल जैसा है तो किसी को भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ततस्तदेके क्षण जीवनस्ते ततस्तदेके क्षण जीवनास्ते नतम समन्विष्य दाल लंबा यदा लंबत तदा महार्ता शुरदोर्दंतो
बिच्छू किशोर ब्याह कर दिया सुघोरम। जब उनके मित्र जिनका जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं बट केवल कृष्ण की तरफ ही देखना है उसकी तरफ देखते थे, पर उनको पाते नहीं थे, वे जोर जोर से रोने लगते थे दुख में, उनका मन भ्रमित हो जाता था और जोर जोर से बड़ी बड़ी आवाज में जोर से आवाज देते थे। ततो हसन पद्मनाथ बेनी हर्ष प्रहर्ष पूरेण विकासित क्षण सकूर्दनं ते पुरतो विसारि श्री भी संयम्यान मनो विजहार कौतुकी। तभी कृष्ण है उसमें से निकल जाते थे जोर जोर से हंसते हुए। जो बच्चे हैं वो उनकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम आनंद से भर जाती थी, आगे और पीछे वाटर में जंप करते थे उस प्रकार से, और इस प्रकार से स्पोर्ट कर। मृणाल जालेन मनोरमेण विरचि हारांजल पुष्प जाते सखी नलकृत्य समुत्तार जलात्म समते सच भूषितस्ते। वो अपने मित्रों को डेकोरेट करते थे चार्मी गार्लेंड से, अलग अलग जल में जो पुष्प होते हैं उससे, और किससे पिरोते थे उसको, धागा नहीं था, जो लोटस का स्टेम रहता है उसके फाइबर को लेके उससे पिरोते थे, उससे माला बनाते थे। तब उनके मित्र जल से बाहर आते थे और उसी प्रकार से वो भी कृष्ण को डेकोरेट करते। मध्याहिकं भोजनमत्र कर्तुं विस्तीर्ण कृष्णा पुलिने मनोज्ञे गोपे समं मण्डलस्थो निविष्टेन न्यवेशयत्स गृजमेव मध्ये। यमुना के बड़े किनारे पे कृष्ण अपने अपने बड़े भाई को बीच में बिठा देते थे और बाकी लोग उनके पास में बैठ जाते थे कंसेंट्रिक सर्कल। तात्पर्य पहले सब बच्चे ब्रेकफास्ट करते थे बट ये लंच का टाइम था, तो ये हम वर्णन कर सकते हैं 10 घंटों में, कि जो कई बार वो ब्रेकफास्ट वन में लेते थे कई बार घर पे लेते थे, ये निर्भर करता था कि किस समय वो निकल रहे हैं। तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोके पालकौ सप्तारत अशो गोवत्सम चरायन्तो विचेरतो। जब कृष्ण बलराम फिनिश कर लेते थे अपना ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में, तब वो बछड़े का केयर करने जाते थे और इधर उधर घूमते रहते थे कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जो दोनों ही भगवान हैं, जो सारे जगत को बनाते हैं, गाय बछड़ों का इंचार्ज। क्वचित् मनस्य मनो दधात् व्रजा रता समुत्या वसव्यवत्स्पन् प्रबोधयांशिं रमणे चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरुषा हरो हरि। राजा से सुखदेव गोस्वामी राजा से बोलते, एक दिन कृष्ण ने डिसाइड किया कि उसका ब्रेकफास्ट जो है वन में लेंगे, ब्रेक पिकनिक के रूप में।
जल्दी उठ गए उस दिन, उन्होंने अपना बुगल बजाया और सारे ग्वाल माल उठ गए और काँव और सब जो है बछड़े भी हो गए। बहुत सुंदर आवाज आने लगा। तब कृष्ण उन ग्वाल बालों ने अपने ग्रुप को, अपने अपने बछड़ों के ग्रुप को अपने सामने रख के ब्रज भूमि से वन में चले। तो कई बार ब्रेकफास्ट वन में लेते हैं और कई बार घर पे लेते हैं। स्वयं चलिला चिन्नृत्य गत्या भ्रमन विचित्र परिता पुरेव नीतानि तत्र लयतो अद्भुतानि भोज्या निरे में परिवेश। कृष्ण कृष्ण जो एंजॉय करते थे अपने घर से जो व्यंजन लाते थे बना के सबको सर्व करते थे, जैसे वो सबको सर्व करते थे वो आगे पीछे ऐसे डांसिंग करते हुए जो है सर्व सर्व करते थे। डांसे की मुद्रा में करते थे सबको। सर्व तु शाश्वत फल पुष्प शालिनाम वृंदा वृंदा टवी दिव्य विचित्र शाखिनाम तेरा अर्तिना एव फलानि लीलिया शतो नितेभ्यो विभजन्य यथारुचि। वो सारे बच्चे बहुत स्वादिष्ट फ्रूट भी लाते थे, फ्लावर भी और अनाज भी। वो सारे फ्रेश फ्रूट लाते थे एवरी सीजन के, जो दिव्य वृंदावन के दिव्य वृक्षों पर उत्पन्न होते थे। कृष्ण एंजॉय करते थे सब बच्चों को फ्रूट्स देके, जिससे सबको आनंद आता था। तात्पर्य जो लड़के हैं ग्वाल बाले हैं, मैं खाली जो अपनी माता बेचती वही नहीं खाते थे बट दूसरों का भी खाना खाते थे, और इसके अलावा वन से भी जो फल उन्होंने कलेक्ट किए वो भी खाते थे। रसाल ताल बिलवानी बद्रा मलकानी च नारिकेलानी पनसत द्राक्षा दलकानि च नागरंगानि पीलूनि करिराण्यपराणि अपि खजूरदाढ़िमादीनि पक्वानि रसवन्ति च। उन्होंने कृष्ण ने सबको रसाल दिया, जो पाम का फल होता है वो दिया, बिल्व का फ्रूट होता है वो दिया, बेर दिए, आंवला दिए, कोकोनट दिए, जैक फ्रूट दिया, ग्रेप्स दिए, बनाना दिया, ऑरेंज दिया, पीलू दिया, करीर दिया, दूसरे राइप टेस्टी फ्रूट दिए, खजूर और अनार दिए। तात्पर्य केवल वृंदावन फॉरेस्ट में ये सारे लोग आप फल पा सकते हैं, कोई भी एक नहीं, सब एक साथ पकते हैं और वहीं पे जाके कोई व्यक्ति देख सकता है कि सारे फ्लावर जो भी एक साथ खिलते हैं। हम देखेंगे
श्लोक नंबर 63 से 66। वृंदावन की जो है शोभा है उसका वर्णन करते कहते हैं, सर्वस्मिनम एवरत शाश्वत पुनः पुनः फल शैलम। जो वहां पे कई वृक्ष हैं, हर सीजन में अलग अलग प्रकार के फल देते हैं। हर्षाय तेष मादाय प्रत्येकं किंचित उच्यत तिष्ठम तत्त समीपे सौ भुंते तानपि भोजये। जो अच्युत भगवान है, हर हर लड़के के सामने खड़े हुए एक के बाद एक, और हर की प्लेट से कुछ कुछ खाया। एंड लड़कों को भी खिलाया, इस प्रकार से उन्होंने सबको प्रसन्न किया। कृष्ण जो है हर लड़के के सामने खड़े हुए और हर बॉय की प्लेट से खाया, हालांकि उन्होंने एक लड़के के साथ ऐसा किया एक के बाद एक, और हर लड़का ये सोच रहा है कि हर ग्वाल बाल ये सोच रहा है कि कृष्ण केवल मेरे साथ। परीक्ष्यमिष्टमिष्ठानि श्री मुखांत सपाणी भी उत्थाय उत्थाय सखी भीर उत्थाय उत्थाय सखी भीर। अर्पयामानानि सादरम् श्लाघनम्र नर्महासद्र विचित्रमुखं भंगिमि मधुरं परिचर्वस्तन हासयित्वा विमोहयत। कृष्ण के जो मित्र थे उन्होंने सारे व्यंजन टेस्ट करते थे और जो उसमें से सबसे टेस्टी होता था, और अपने हाथों से कृष्ण के मुख में डाल देते। एंड कृष्ण जो है हंसते हंसते बड़े चाव से उसको खाते थे हर, और उसकी क्वालिटी की प्रशंसा करते थे और बड़ा अच्छा मुख बनाते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को हंसाते थे और कंप्लीटली अपनी तरफ आकर्षित करते थे। इसको निश्चित करने के लिए कौन सा आइटम जो है मोस्ट सुटेबल है कृष्ण के खाने के लिए, पहले बॉय सब चीजें एक एक करके खाते थे, उसके बाद वो कृष्ण को देते थे जो उनके लिए मोस्ट सुटेबल रहता था, उनके डायरेक्टली उनके मुख में देते थे। आम्लिकम पानकम मिष्टम परम च विविधम बहु तर्कम च तुम्बी पात्रादि व्रतम वार्यते यामुनम। पिबन निपायनम श्रवणम पिबन निपायन सर्वन रमायम आस बलवन रमायम आस बलवान नाना विधा सुख क्रीड़ा कुतूहल विशारद। वो जो भगवान है जो बहुत एक्सपर्ट भोक्ता है सभी सभी प्रकार के स्पोर्ट्स के, आनंद लेने वाले हैं, वो उन्होंने फिर ड्रिंक किया इमली का पानी और दूसरे कई द्रव्य, बटर मिल्क और यमुना का बटर, तुम भी गोट्स में रख के और दूसरे प्रकार के बर्तनों में रख के, और उन्होंने उन लड़कों को भी बालकों को भी ड्रिंक करने के लिए, इस प्रकार से उन्होंने सारे ग्वाल बालों को पसंद। आचम
बेतामुल मथो सुगंधम कर्पूर पूर्णम सग्रहो पनीतम वन्यम च भुंगे स्मिभज नुत्नम सना सनागवल्ली दलपुगम आर्द्रम। कृष्ण ने आचमन किया और जो है फ्रेग्रेंट कपूर वाला सुपारी और पान चबाया जो हर ग्वाल बाल अपने घर से लाया था, और वन की भी सुपारी दी। जो भीगी हुई थी या लपेटी हुई थी कई पत्तियों में भगवान ने बीटल नट एंजॉय किया, पान और सुपारी और दूसरों को भी दिया। जब कृष्ण अपना भोजन फिनिश कर लेते थे, उन्होंने अपने हैंड एंड माउथ वॉश किए और एक रिचुअल जो थोड़ा सा जल लेने का रहता है, सब जो बाय पान सुपारी लाए थे अपने अपने घरों से, उन्होंने कृष्ण को ऑफर किया, उन्होंने स्वयं खाया और सबको बांटा। तुलसी मालती जाती मल्लिका कुंद कुब्ज के लवंगे त की झंटी माधवी युथिका द्वय कांचने करवीराभ्याम शतपत्री युगेन च पलार्षेन मलिभीर देदर्मन का दिवी। उनके मित्रों ने उनके लिए कई मालाएं बनाई पत्तों की और फूलों की। इसमें पत्ते और फूल थे, तुलसी मालती जती के, मल्लिका कुंद जैस्मिन, कुब्ज का क्लो, केतकी झींती, माधवी युथिका, उन गार्लेंस में कंचन करवीरा सतपत्री फ्लावर और लीव पलाश नौमाली और औद्रा और दमक और दूसरी चीजें। कदम के पुष्प थे, पत्तियां थी, नीम वृक्ष से, बकुल वृक्ष से, नगा से, पुनग से, चंपक से। गार्लेंट्स में थे कुटजा अशोक एंड मंदरा थे। उसमें कर्णिकारा आसन अर्जुन पाताल प्रियक और दूसरे फ्लावर थे और पत्तियां थी। कृष्ण ने ये सारी मालाएं पहन के अपने ऊपर पहनी और उसके बाद अपने मित्रों के पास की। तात्पर्य जो है, बालकों ने कई प्रकार के फ्लावर गार्लैंड कृष्ण के लिए बनाए, जिसमें फेमस वैजयंती माला, मालती एंड जाती, ये जो है वाइट ब्लूमिंग जैस्मिन है, रात्रि में जो खिलते, नीप और कदम, ये भी दो वैरायटी हैं। युथिका गोल्डन है और वाइट शुभ्रा युथिका, करवीरा और सत्र प्राप्ति दोनों वाइट और रेड वैरायटी। पलाश किमसुक भी बोलते हैं। जो दूसरे श्लोक में आता है, इसमें आता है दमन ना का देवी, बताते कि दूसरे फ्लावर भी थे जिसमें दमन दमन का फ्लेवर है और मरवाक
मरवा के। चौथे श्लोक में आता है, श्रृंगार स्थल कमल और भूमि चंपक, ये भी हैं। कई जो फ्लावर जो पानी में उगते हैं उनके बारे में बता दिया, क्योंकि वो कृष्ण की जल क्रीड़ा में ज्यादा भाग लेते हैं। लेकिन कई वाटर फ्लावर भी इस फॉरेस्ट गार्लैंड जो वन माला है उसमें यूज होते हैं। और गार्लैंड में मालाओं में नई पत्तियां, फ्लावर फ्लावर बर्ड कदम से वो भी है। और अपने सिर पर एक कृष्ण जो है हमेशा पिकॉक फेदर और गुंजा बेरी को धारण करते हैं। चंदना गुर कस्तूरी कुमकुमेर आहरतेर वेनात द्रव्येषु गंधिभिश्चान्यत् पिश्चिर अंगानि अलेपयात्। कृष्ण ने अपने अंगों को सैंडलवुड पेस्ट से लेपित किया, अगरू से किया, कुमकुम से किया, मस्क से किया, दूसरे फ्रेग्रेंट सब्सटेंस से किया जो बाहर से वन से लाए गए। तात्पर्य कृष्ण के फ्रेंड जो हैं ये फ्रेग्रेंट जो सुगंधित पदार्थ है वृंदावन के जंगलों से लाए थे कृष्ण के आनंद के लिए, और उसका पेस्ट बनाया, उसमें वाटर ऐड किया और उसको कृष्ण के मुख पे लगाया, बॉडी पे लगाया, और अपने मित्रों के साथ शेयर। ये वृंदावन के वनों में ये सारे इंजॉयबल थिंग्स हमें मिले। निकुंज वरिये सुरभि प्रसूना सुवासिते गुंजलदली प्रगुष्टे विनिर्मिते तत् पवरे नवीना मृदु प्रवाल छद पुष्प जाते श्रीराम नांदयति श्रीराम नामदयिता सुखोपधान सुस्वाप मित्र निकरे परिचर्यमान केश प्रधान सुगीत करांगी गृप करांगी प्रदम पद्म संवाहनस्तर विजना चतुर्भि। तब जो 24 ग्रह में कुंज में जिसमें स्वीट स्मेलिंग फ्लावर है, सुगंध मीठी सुगंध वाले फ्लावर, और जिसमें भंवरा आवाज कर रहा है, वहां पे कृष्ण ने थोड़ा रेस्ट किया। उनको बेड को बनाया था सब ग्वाल बालों ने, सॉफ्ट पत्तियों से बनाया था बेड, और उसमें फ्लावर थे, और जो उनके श्रीदामा था, श्रीदामा की गोद में वो लेट गए, जो उनके प्रिय मित्र श्रीदामा, श्रीदामा पिल्लो का तकिए के काम के, श्रीदामा के गोद में, गोदी में, और अनगिनत फ्रेंड्स जो थे उन्होंने कृष्ण को सर्व किया। एक्सपर्टली प्रार्थना का उच्चारण करके, माधुरिता से गा के, उनको पंखा जल के ड्रेस करके और मसाज करके, उनके फीट को, हाथों को मसाज कर, तात्पर्य कृष्ण का जो फ्लावर बेड है उतना सुगंधित था कि कई भंवरे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे। कृष्ण जो बड़ी आनंद के साथ उनके रेस्ट किया कंफर्टेबल बेड पे, और उनके फ्रेंड ने उनको अटेंड किया। सुखदेव गोस्वामी इसको भागवतम में वर्णन करते हैं, क्वचित पल्लव तलस्पेशु नियुक्त श्रम करसितः वृक्ष
भोला श्रेया से ते गोपाष्टम गोपा परहा नह गोपोष्टंग गोपो पराह न कई बार भगवान कृष्ण जो है कुश्ती लड़ते लड़ते वहां पे जो बच्चे आपस में लड़ते हैं उसको करते करते थक जाते हैं और एक वृक्ष के आधार पे बेस पे लेट जाते हैं। वो आधार जो सॉफ्ट ट्विग्स का बना था, कोमल टहनियों का बना था, बर्ड्स का बना था, और इस प्रकार से अपने मित्र को वो तकिया बना लेते हैं। पाद संवाहनम चक्रु पाद संवाहनम चक्रु केचित् तस्य महात्मनः अपारे हत पापं मानो व्यजना संवा संविजायन। कुछ जो ग्वाल बाल थे, जो महान आत्मा थे, उनके चरणों की मसाज करते थे। और दूसरे लोग जो पाप रहित थे वो उनके पंख चलते थे। अन्ये तत् अनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराजा स्नेह क्लीना दिया स्नेह। मेरे प्रिय राजा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज थे। प्रिय परीक्षित, दूसरे बॉयज थे जो दूसरे लड़के थे जो वो एक सॉन्ग गाते थे उस उत्सव के उस ओकेजन के स्वरूप, और उनका हृदय जो है भगवान के प्रति प्रेम के कारण पिघल जाता था। विकार नर्म भंगी शते रहसी तरो धन केली दक्ष निर्जितितान असुख्यात सुरदो मुदेवम विश्राम केलिम विश्राम केलिम अतनोद विविधाम सुराम। कृष्ण एंजॉय करते थे, कृष्ण एंजॉय करते थे अपने मित्रों को कई प्रकार से प्रसन्न करने के लिए बलराम के साथ। और अपने रिलैक्स करने की लीला में व्यस्त रहते। कृष्ण के मित्र जो थे बहुत बुद्धिमान थे, योग्य थे, हमेशा हंसाते रहते थे। कृष्ण कई तरीके से उनको हरा देते थे, उनके चरित्र का, उनके कैरेक्टर का, उनके रूप का नकल करके, उनका मुंह बना के और कई प्रकार के जोक करके इस प्रकार से सकवाल बाल खेलते रहते। अथ संकेति वेणु श्रृंगनादे पशुन पुनः उत्थापे चारे यज्ञे रेमे गोवर्धन समीपतः।
और फिर एनिमल को पशुओं को उठाना रहता था। भगवान अपनी बांसुरी से ध्वनि करते थे और पशु उड़ जाते थे, और बफेलो बिगुल से ध्वनि करते, सब पशु उड़ जाते थे। और फिर इस प्रकार से भगवान उनको गोवर्धन हिल के पास में चरा के बहुत आनंद उठाते। भूषणेन विचित्रेण वन्येन सखेभिः पुनः अहम् पूर्वी किया सर्वे भूषितो सौ यथा रुचि। बार बार उनके मित्र अपने स्वाद के अनुसार कृष्ण को अपने एक से बढ़ के एक सजाते थे वन के वंडरफुल आइटम लाके। कई बार उनको कोई तिलक लगाता था हरी दाल से, कोई कृष्ण को फॉरहेड पे, कोई कुछ करता था, कोई फ्लावर गार्लैंड उनके बालों में लगा देता था, कोई कुंज बेरी से उनको डेकोरेट करता। सर्वपाणो जन शर्मज्ञ समर्पया तम विप्रम पुरी समर्पया तम विप्रम पूर्वयातम सायम यथा पूर्वमयम प्रविश्य घोषे भीरे ब्रज हर्षकारी। इवनिंग में कृष्ण जो है, जो ब्रज को, पूरे ब्रज को आनंद देने वाला है, इवनिंग में उस जन शर्मा को, जो नया ब्राह्मण है, उसको स्वरूप के हाथों में दिया और ग्राम में प्रवेश किया। तात्पर्य कृष्ण जी का रिटर्न है, जो उनके पिता के गांव में वापस नंदगांव में जाने का, वो अभी पहले ही वर्णन हो चुका है कि किस प्रकार से गांव में प्रवेश करते थे। तो जन शर्मा जो है, को कंफ्यूज नहीं हुआ कि किस तरीके से गांव में प्रवेश करना है। कृष्ण ने स्वरूप को बोला, गोप कुमार को बोला कि उसको गाइड करो। गोपीनाथ प्रसादाप्ता महासाधु मति स्थिते विचार्य स्वयं आदत्वस् विचार्य स्वयं आदस्तत् शो प्रश्नस्य साधुनोत्तर। परीक्षित महाराज कहते हैं, ओ माता, आपकी जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, आप अपनी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि में भगवान की उसमें ध्यान लगाए हुए, आपकी आप ऑलरेडी फिक्स हैं। ये आपको जो बुद्धि लगी गोपीनाथ में, ये गोपीनाथ की कृपा से लगी। अब जो भी आपने सुना है, आप स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकती। तात्पर्य यहाँ पे जो वार्ता है उसके अंत में पहुंच के परीक्षित, अभी जो परीक्षित महाराज अपनी माता को कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ बता दिया, वो सब कुछ बता दिया जो उनको, जो माता ने क्वेश्चन पूछा था। अब तो माता के पास उतनी योग्यता है कि वो अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं पा सकती है, क्योंकि अब उसे कृष्ण गोपीनाथ की कृपा मिल गई। क्योंकि सबसे पहले बृहद भागवतम के प्रारंभ में उत्तरायणी माता माता उत्तरायणी ने परीक्षा से प्रश्न पूछा था, यत्शुकेनोपादिष्टं ते वत्स निष्क्रिया तस्य मे सारं प्रकाश्य क्षिप्रं क्षीराम्बोदरे इवामृतम्। मेरे प्रिय पुत्र, जो भी सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, उसका सार मुझे जल्दी से बता दीजिए और इस मिल्क के सागर से मुझे अमृत निकाल दीजिए। और दूसरे भाग के प्रारंभ में उत्तरा ने आगे कृष्ण पूछा था कि वैकुंठ से ऊपर ऊपर कोई लोक है क्या, जहाँ पे भगवान अपने अंतरंग पार्षदों के रात साथ रहते हों बड़ी फ्रीली, ये पूछा था। तदर्थमुचितम स्थानम एकम वैकुंठो परम अपेक्षितम अनश्याम स्यात् तत् परीक्षयोद्दश्य रे। एक सुटेबल प्लेस तो
और भी रहना चाहिए वैकुंठ से ऊपर, उसके बारे में मुझे बताओ और मुझे इस तरीके से बचाओ। इस प्रकार से माता के प्रश्न पूछ के, माता के प्रश्न पूछ के जो है अभी परीक्षित महाराज माता के प्रश्नों को बता रहे हैं। उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर अभी दे दिए, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। इस तरीके से अभी माता से अब पूछते हैं कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं? सारी लीलाएं तो बता दी अभी उन्होंने परीक्षित ने माता, इस प्रकार से माता से कंफर्मेशन ले रहे हैं अभी परीक्षित ये, क्योंकि पूरी बृहद भागवतामृत परीक्षित ने माता उत्तर को बताई सुनाया, उसी को बृहद भागवत अमृत बोलते हैं। अभी समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय।